सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज सरीला तहसील के अधिवक्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सरीला के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में जो अदालत परिसर में एक अधिवक्ता साथी की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और आज सुबह से ही हम लोग जो है अदालतों में न्याय कार्य से वृत रहने का पत्र सभी अदालतों को भेज चुके थे। अभी हमने जो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि ये जो घटना हुई है ये निंदनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। सारे अधिवक्ता लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता इस घटना से नाराज हैं और बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी अधिवक्ता न्यायकार से इस घटना के विरोध स्वरूप न्यायकार से व्रत रहे हैं। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से ये मांग की है कि शाहजहांपुर में जिस अधिवक्ता साथी की गोली मारकर हत्या की गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवारजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिजनों में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी बात, हम लोगों ने उस पत्र में ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बहुत ख़राब माहौल है, न्यायालय परिसरों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ये हम लोगों ने मांग की है और इस तरह का ज्ञापन एसडीएम साहब को हम लोगों ने दिया है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।